क्या समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत पद की प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी गौतम का नामांकन आज हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और हम सब नेता लोग दाखिल कराने आए हैं। एक दलित बिरादरी की महिला का, गरीब महिला को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत पद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जगह नामांकन हो रहे हैं, कई जगह प्रशासन मनमानी कर रहा है, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य चुनाव, बीडीसी, प्रधान में बुरी तरह से बीजेपी हारी है, बीजेपी बौखला गई, बीजेपी ने अपने प्रशासन को लगाया है। कई जगह नामांकन पत्र तक, गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नामांकन पत्र ही नहीं लेने खरीदने दे रहे थे। हम लोगों ने कल निर्वाचन आयोग में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ भी हम लोगों ने सब बातें रखी और कई जिलों में, कई हमारे यहाँ जिले में भी एक दलित बिरादरी की महिला को, गरीब महिला को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है, तो जो लोग लड़ा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हरदोई में किस तरीके से हो रहा है बताओ? हरदोई में भी अब जो प्रत्याशी हमारे लड़ा रहे हैं, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष पाल जी, तो वो बताइए उनके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिला बदर किया जा रहा है, तो ये इस तरीके का अन्याय लगातार हर जगह हो रहा है। हरदोई में भी हो रहा, कई जगह कन्नौज में मैंने देखा, एक मेंबर फरुखाबाद से लेकर एटा में देखा आपने, इनके पास नामांकन तक के लिए एटा में आदमी नहीं है, तो लोगों के ऊपर मुकदमे लिखा जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा। ये देखिए सरकार तानाशाही पे आ गई है और सरकार अब हार चुकी हर मोर्चे पे, चाहे पंचायत चुनाव हो। जनता ने सीधा संदेश दे दिया कि अब समाजवादी पार्टी आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले, तो ये अब जबरदस्ती जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता लड़ेगी चुनाव और समाजवादी पार्टी इन जो सरकार अधर्मी सरकार है और जो भ्रष्टाचारी सरकार है और जिस तरीके से दम्भी सरकार है, घमंडी सरकार है, इसका घमंड जनता के बल पे समाजवादी पार्टी ठीक करने का काम करेगी और हमारा हरदोई जनपद में प्रत्याशी जीतेगा। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, संख्या समाजवादी पार्टी के मेंबर ज्यादा जीते हैं, बीजेपी के मेंबर कम जीते हैं और निर्दलीय जीते हैं भारी संख्या में। समाजवादी पार्टी अपना तंत्र मंत्र लगा रही, उद्योगपतियों को लड़ा रही, अच्छा हम लोग दलित और गरीब को लड़ा रहे हैं और बीजेपी उद्योगपतियों को लड़ा रही है, तो ये जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी इनको सब। ठीक क्या अब बीजेपी इस पे उतर आई है, भ्रष्टाचार लोकतंत्र को खत्म करने पे आ गई, अब पैसे की दम पे, पुलिस की दम पे, प्रशासनिक दम पे जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और पैसे से खरीदा जा रहा है। बीजेपी ने अकूत धन जो उद्योगपतियों से लिया है अब वो जिला पंचायतों में खर्च किया जा रहा है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार से पैसा कमाया गया वो जिला पंचायतों में, ये लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अब पैसे से, मुकदमे से, और कितने हमारे जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो प्रत्याशी की मदद कर रहा, चाहे हमारे पम्मू भाई बैठक कर रहे थे उसमें भी मुकदमा लिख दिया गया, और बीजेपी के लोग रैलियां कर रहे हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी के लोग मीटिंगें कर रहे हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी के लोग अगर बैठक भी कर ले तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा और मेंबरों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है, मात्र दो ही तीन चार महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, छह महीने बाद, और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने भी कह दिया है कि जो अधिकारी, जो बीजेपी के लोग हैं, जिस तरीके की गुंडई कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और जिस तरीके से दबंगई कर रहे हैं और हमारे नेता और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, उनकी भी सूची बनेगी अगर ये बीजेपी के इशारे पे गलत काम करेंगे। लगता है दबाव बनाया जा रहा है किसी तरीके का? दबाव लगातार बनाया जा रहा है, हमारे बता रहे हैं जो प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, हमारी गरीब महिला है, दलित बिरादरी की है, गौतम बिरादरी की महिला है और कई जगह समाजवादी पार्टी ने गरीब लोगों को लड़ाया है और हमारे कई मेंबरों को रोका जा रहा है, कप्तान सिंह जी को भी रोका गया, कई जगह लोगों को, मेंबरों को रोका जा रहा, नामांकन से रोका जा रहा और पुलिस लगातार, प्रशासन प्रयास कर रहा लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे, इनके ऊपर भी इनको जेल भेज दिया था, तो ये इस तरीके से अन्याय अत्याचार नहीं, समाजवादी एक केवल समाजवादी पार्टी और पार्टियां तो सरेंडर हो गई, केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के अन्याय के खिलाफ, उनके उनकी जो गुंडई है उसके खिलाफ कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है।